हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का स्टैंडर्ड 7 प्रैक्टिस सेट 11। इसमें कैसा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है किसके, प्राइम नंबर्स को यूज करके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि जितने भी न्यू वीडियोज मिलते रहेंगे अपलोड होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 7th मैथ्स प्रैक्टिस सेट 11। जैसे अभी यहाँ पर क्या दिया है, नंबर्स को हमें फैक्टर्स में निकालना है, लेकिन फैक्टर्स निकालना है तो किसका यूज करना है, प्राइम नंबर्स का। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया ना यहाँ पे 32, तो 32 को हमें ऐसे नंबर से फैक्टर उसका कैलकुलेट करके निकालना है। ये कैसा है, हमारा वर्टिकल फॉर्म है, तो हम लोग पहले वर्टिकल फॉर्म को ही देख लेते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल फॉर्म को देखेंगे। अभी ये 32 है, यूनिट के प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2 है, तो जाहिर सी बात है पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 1 जा। अभी ये नंबर डिवाइड कैसे हो रहा है, मैं एक स्टेप यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। 2 1 जा 2, ठीक है, -1 2 2 6 जा 12। तो हम लोग इस तरह से नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जो इसका रिमाइंडर आ रहा है क्वेश्चन उसको हम लोग, या सॉरी क्वेश्चन, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 16 अगेन 2 2 8 जा 16, 2 2 4 जा 8, अगेन 2 2 2 जा 4, एंड अगेन 2 2 1 जा 2। तो ये टोटल इसका आ गया हमारा फैक्टर। तो 32 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 इंटू, जितने भी यहाँ पे हम लोग जितने भी 2 नंबर से डिवाइड किए ना, वो पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 इंटू 2 2 2 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा प्राइम नंबर से फैक्टर। उसी तरह जब हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करेंगे तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन कैसा है, 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे और उसको डिवाइड करते हुए आ जाएंगे यहाँ से 16, 18 ऐसे। तो उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। सेकेंड 57। अभी 57 यूनिट के प्लेस पे तो 7 है, तो ये क्या होगा, नंबर्स डिवाइड होगा 2 से, नहीं हो पाएगा, तो किससे होगा, तो हम लोग चेक कर लेंगे। 7 5 12 12 हो जाएगा, तो 12 क्या 3 के टेबल में आ जाएगा, तो 3 से नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 57 3 3 2 जा 6, नहीं हो पाएगा ऐसे, देखो 57 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, -2 है कि नहीं, और उसके बाद 3 9 जा 27, कितना जाएगा 19। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें कौन सा नंबर मिल गया, प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर होता क्या है, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड सेकेंड वन इज नंबर इटसेल्फ। किसी प्राइम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो नंबर्स का जो पहला फैक्टर रहेगा 1 रहेगा, और दूसरा जो नंबर रहेगा वो इटसेल्फ, वो खुद ही नंबर रहेगा। तो अभी 19 है, तो 19 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 19 1 जा 19, तो 57 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 19। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 2, है कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास स्पेस है तो इसको यूज कर लेंगे। क्या दिया है, 23, तो अभी 23 है, तो 23 का भी निकाल लेंगे हम लोग सेम 23। अभी 23 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और इटसेल्फ में ही आता है, 23 जा 23 1, है कि नहीं, तो 23 का प्राइम नंबर 23 ही हो जाएगा फैक्टर। आए समझ में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे, 150 है, तो नंबर्स रोमन में लिखा है, तो हम लोग भी नंबर्स रोमन में ही लिख लेंगे, ठीक है। तो सेम 150 को डिवाइड कर लो, टू सेवन जा 14, है ना, एंड 2 5 जा 10, 75 आ गया,
सेम ऐसे यहाँ पे, अभी ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा? अभी देखो यूनिट के प्लेस पे क्या है, फाइव है ना, तो ये फाइव है तो टू से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? थ्री से हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन। हमेशा हमें याद रखना है नंबर्स को किससे फैक्टराइज करना है, प्राइम नंबर्स से, सिर्फ प्राइम से। तो थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन। अब ये किसके टेबल में आ जाएगा? थ्री के टेबल में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यूनिट के प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर है कि नहीं? और थ्री के टेबल में आएगा नहीं, क्योंकि फाइव टू सेवन हो जा रहा है, अगर नाइन होता तो थ्री से डिवाइड हो जाता। तो ये किससे डिवाइड होगा? फाइव से, क्योंकि यूनिट के प्लेस पे फाइव है। फाइव फाइव जाए ट्वेंटी फाइव, फाइव वन जाए फाइव, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, वन फिफ्टी, यहाँ से लिख लो आप, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव। अगर आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे फिफ्थ, 216, तो 216 डिवाइड कर लेंगे, मतलब फैक्टर निकाल लेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यूनिट के प्लेस पे क्या है, सिक्स है, तो पूरा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद हो तो बहुत सिंपल से कर सकते हो। अगर यूनिट के प्लेस पे जीरो टू फोर सिक्स एट इस तरह के नंबर्स हैं, तो पूरा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट के प्लेस पे अगर फाइव जीरो है, तो पूरा नंबर फाइव से डिवाइड हो जाएगा। अगर सभी नंबर्स का सम करने के बाद अगर वो नंबर थ्री से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर थ्री से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? तो अलग अलग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, स्टैंडर्ड फिफ्थ में दिया हुआ है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। या फिर मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का, तो उसमें से आप जाके वहां से रिवाइज कर सकते हो। तो टू ले लो यहाँ पे, तो टू वन जा टू, है कि नहीं? चलो मैं यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ कैसे आता है। टू वन जा टू, माइनस जीरो वन आ गया, ठीक है। अभी टू डिजिट नंबर जब हम लोग डाउन करते हैं तो यहाँ पे एक जीरो आ जाता है, सिक्स टू एट जा सिक्सटीन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 108। उसी तरह हम लोग बाकी के भी नंबर्स को सेम ऐसे डिवाइड करते हैं और वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी कैसा है, अभी आपका स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज हो गया ना, थर्ड आप सेवेंथ में पहुँच गए हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ा डायरेक्टली मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। टू फाइव जा टेन एंड टू फोर जा एट, अगेन टू टू जा फोर एंड टू सेवन जा फोर्टीन, है कि नहीं? समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं? डायरेक्टली जो हमारा वैल्यू आ रहा है उसको यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। फिर अभी ये किसके टेबल में, टू के टेबल में तो आएगा ही नहीं, तो थ्री प्राइम नंबर है तो उसको ले लेंगे, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, है कि नहीं? थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री थ्री जा वन, आया समझ में? तो 216 का फैक्टर लिख लो, पूरा लिख लेंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो थ्री थ्री तीन टाइम और टू टू थ्री टाइम। तो ये हो गया हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्या दिया हुआ है, 208 मतलब 208, ठीक है। तो 208 को ले लो। अभी देखो यहाँ पे भी यूनिट के प्लेस पे क्या दिया हुआ, एट दिया हुआ है ना, तो यूनिट के प्लेस पे एट दिया तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू से डिवाइड कर देंगे। टू टू वन जा टू, जीरो ऐसे ले लो फोर, फिर से टू फाइव जा टेन एंड टू टू जा फोर, टू 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 जा फोर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, फिर से टू से ले लो, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स। अभी थर्टीन आ गया ना, तो थर्टीन तो किसके टेबल में आएगा, टू के भी टेबल में नहीं, थ्री के भी नहीं, वो डायरेक्टली क्या है, प्राइम नंबर ही है, क्योंकि वो वन के टेबल और इटसेल्फ में ही होगा उसका फैक्टर, तो थर्टीन, सॉरी। तो फैक्टर लिख लो, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थर्टीन,
ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सिक्स। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेवन। सेवन क्या दिया है? 765। सेवन क्या दिया है? 765। तो 765, अभी ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। अभी सेवन क्या है? सेवन अभी सभी नंबर यूनिट के प्लेस पे क्या है? कोई भी इवन नंबर है तो टू से तो डिवाइड नहीं होगा, वो प्राइम नंबर है कि नहीं? तो पूरा ऐड कर लो आप। सेवन एंड सिक्स कितना हो जाएगा? 13, 13 एंड 18। तो ये टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? थ्री से डिवाइड हो जाएगा। तो थ्री ले लो, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा फिफ्टीन एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन, है कि नहीं? फिर यहाँ पे फाइव फाइव टेन एंड टू ट्वेल्व हो गया, तो टोटल नंबर थ्री से डिवाइड हो जाएगा। तो थ्री ले लो, थ्री एट जा 24 एंड थ्री फाइव जा 15। अब ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा चेक कर लो। एट फाइव 13, तो थ्री से तो डिवाइड होगा नहीं, तो डायरेक्टली फाइव से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइव वन जा फाइव, और कितना बच जाएगा? थ्री एंड तो 35, सेवन फाइव जा 35, है कि नहीं? और ये अभी ऑलरेडी क्या है, 17 हमें कौन सा नंबर मिल गया? प्राइम नंबर, क्योंकि उसमें किसी और भी नंबर्स का फैक्टर्स नहीं आएगा तो सेम नंबर्स आ जाएंगे, है कि नहीं? 17 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 765 इक्वल टू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू 17। ये हो गया हमारा सेवन। अभी हम लोग देखेंगे एट, है कि नहीं? एट में क्या दिया है? 342। तो 342 पर आ जाओ। अभी यूनिट के प्लेस पे क्या है? ऑलरेडी टू है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली यूनिट के प्लेस पे हमें दिया है ना टू, तो हम लोग टू नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो टू ले लो, टू वन जा टू, टू सेवन जा फोर्टीन एंड टू वन जा टू। अभी इन नंबर्स को देखो, यूनिट के प्लेस पे कौन सा? वन है ना, तो ऑड नंबर है तो टू से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो कैसे होगा? तो उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। सेवन एट एट एंड वन नाइन, थ्री थ्री डिजिट को ऐड करने के बाद नाइन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? थ्री से। कैसे? यहाँ पे देखो, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे वन प्लस सेवन प्लस वन कितना आ गया? नाइन। और नाइन जो है थ्री से डिवाइड हो जाएगा ना, थ्री थ्री जा नाइन, तो ये पूरा नंबर जो है वो थ्री से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करो, थ्री फाइव जा 15, टू बच गया, उधर कैरी हो जाएगा, एंड थ्री सेवन जा 27, है कि नहीं? सेवन फाइव 12, तो ये फिर से थ्री से डिवाइड हो जाएगा। थ्री वन जा थ्री, टू बच गया, थ्री नाइन जा 27। और 19 क्या है? ऑलरेडी एक प्राइम नंबर ही है, तो 19 से डिवाइड हो जाएगा। 19 वन जा 19, तो 342 का फैक्टर लिख लो, टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 19। ऐसे में तो इसमें कैसा, आपको फैक्टर्स याद रखने हैं कि जैसे हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो होता है वो आपको याद रखना, तो उसके थ्रू आप फटाफट नंबर्स को आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया एट। अब हम लोग देखेंगे नाइन क्वेश्चन। चलो तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नाइन। नाइन क्या दिया हुआ है? थ्री हंड्रेड सेवेंटी सेवन। अभी इसको हमें नंबर्स को चेक करना है कि ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो यूनिट के प्लेस पे सेवन है, तो क्या टू से तो डिवाइड होगा ही नहीं। अब थ्री की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। सेवन थ्री टेन, टेन एंड सेवन 17, मतलब ये थ्री से भी नहीं होगा, फोर से भी नहीं, फाइव से भी नहीं, है कि नहीं? सिक्स से भी नहीं,
क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, तो हमें टेबल्स चेक करने पड़ेंगे कौन से टेबल में आएगा ये। तो 377 13 के टेबल में चेक करते हैं, 377 कितने टाइम में आ रहा है, 29 13 के टेबल में। और 29 क्या है ऑलरेडी, 29 क्या है हमारा प्राइम नंबर है ऑलरेडी, क्योंकि ये 1 और इसका इटसेल्फ नंबर ही फैक्टर रहेगा। तो 29 वन जा 29, तो 377 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 39 29। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे, नंबर्स को किसी भी टेबल से लेके उसको डिवाइड करोगे जो उससे मिलता जुलता हो सके, तो फिर आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। पहले हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को चेक करना है कि वो यूनिट के प्लेस पे जो नंबर है वो इवन है ऑड है, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर थ्री नंबर्स को सम कर दोगे तो अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर। इस तरह से आपको चेक करते हुए जाना रहेगा। जैसे 559 दिया है, 559 अभी जैसे यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे क्या है 9 है, और 9 क्या है इवन नंबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड होगा नहीं। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे, जैसे 5 + 5 + 9, 5 5 10 एंड 9 19, अभी 19 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, है कि नहीं, पूरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया नहीं हो पाएगा। तो अब हमें चेक करना है कि और किसी की डिविजिबिलिटी में आएगा क्या, तो 4 में आएगा नहीं, 5 में आएगा नहीं, क्योंकि यूनिट के प्लेस पे 5 चाहिए, 10 में भी नहीं आएगा, तो अभी उसके आगे के किसी एक नंबर्स में ही आएगा टेबल्स में, तो वह हमें चेक करना पड़ेगा। 559 तो आपको टेबल से रीड करके एक बार चेक करना पड़ेगा कौन कौन से टेबल्स में आ सकता है, जैसे 11 तो 11 5 या 55, ठीक है, और 9 रह जाएगा तो 12 के भी नहीं, 13 में चेक करो। है ना, तो 13 के टेबल में आ रहा है, 13 43 टाइम पर 13 को अगर हम लोग जैसे 559 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 43 टाइम पे आ जाएगा आंसर। और 43 क्या है ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 43 1 जा 43, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 559 का फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा 13 × 43। ये हो गया हम लोग का प्रैक्टिस सेट 11 स्टैंडर्ड 7th का क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हम लोग का ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर इस वीडियो लेक्चर्स में आपको कोई भी डाउट है कहीं पर भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी के जो लेक्चर्स रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे इस चैनल से। आपको सिर्फ एक काम करना है, जय हिंद क्लासेस चैनल अगर आप देख रहे हो अभी और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फुल पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।